कांग्रेस ने फिर एक बार बीजेपी का गबन तोड़ डाला। उनके ही वाइस चेयरमैन हुए आकर कांग्रेस में शामिल। पता था कि हरियाणा में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके चलते पार्टियों के बीच पदाधिकारियों के बीच अदला बदली का दौर तेजी से चल रहा है। इस बीच पानीपत से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी समर्थित जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य मलिक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आकर पार्टी ज्वाइन की है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया है। पानीपत जिला परिषद के चुनावों में वार्ड 14 से बीजेपी समर्थित सुरेश आर्य ने जीत हासिल की थी। इन्होंने न केवल जीत हासिल की थी बल्कि जिला परिषद के उप प्रधान के लिए भी दावेदार ठोकी थी, जिसमें 17 पार्षदों में से 16 ने वोटिंग की थी। इन 16 में से 9 पार्षदों ने सुरेश आर्य को वोट किया था। उल्लेखनीय है कि सुरेश आर्य बहुत लंबे समय तक इनेलो के वरिष्ठ नेता रहे। तो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से वाइस चेयरमैन बीजेपी के आकर कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।